अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहांगीर चौक लाल चौक में एक ऐसा शर्मनाक वाका पेश आया जो आप लोगों ने आज तक कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों वहां पे गरीब इंसान को लूटा गया। बताया जा रहा एक गरीब आदमी जो कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का रहने वाला था, बताया जा रहा दुकान का सामान लाने के लिए जब वो लाल चौक पहुंच गया, वहां पे वो सस्ता सामान खरीदना चाहता था। बताया जा रहा उसको ऐसे चोर मिल गए, तीनों बंदे जिन लोगों ने उसको अपने जाल में फंसाया, उसको अपने साथ लेकर गया। बताया जा रहा उस बंदे को उसको कमरे में बंद करके रखा, उसको इतना मारा उसकी जेब में जितने भी पैसे थे उन लोगों ने उसको लूट लिया। बताया जा रहा वो वहां से भाग गया था और पुलिस थाने में FIR दर्ज करने लगा था। बताया जा रहा बीच रास्ते पे वो तीनों फिर से आ गए इसके लाइफ में और उसको इतना मारा। बताया जा रहा अब वो प्रेस कॉलोनी में आया है, वहां पे वो रो रो के बोल रहा है कि मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, अगर मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता उन लोगों ने मुझे चाकू भी दिखाया था, अगर मैं मर जाता तो मेरी बेटी यतीम हो जाती। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मैं आपको वहां की वायरल वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। जब आप वो इमोशनल वीडियो क्लिप देखो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वीडियो क्लिप दिखाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन और वो प्रेस करना, आपको जम्मू कश्मीर की हर एक न्यू अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेगी। बे लोई मैं तुम्हें बे नेबर कहीं थे पत बे दुकानदार थे इस फूछान तुम्हें दुकानदार जोक नहीं थे मिसवन से क्या तो क्या जिम्स लाया क्या इस लोई है बोस गसा पुलिस थान छांडे उसे एक हाथ कहीं में आमे जेतान तुम्हें मैं बे कोच की बस रोटस बस दुकान स्टेटस बे दो बकाई पुलिस की नफर क्या छु पुलिस छांडा کور ان تم دکاندار تہ گھن تر گوی دن تم لوگ مے پہ نبر کن دکاندار تھی بہت موت خدا کر سہل ٹھہ پریشانی خدا کر سہل مہ ٹینشن ودن ضروری चलो दोस्तों आप लोगों ने इसकी इमोशनल वीडियो क्लिप देखा ही होगा, किस तरीके से रो रहा था बेचारा, ये यही सोच रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे यतीम हो जाते। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपके एक शेयर करने से वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जो इसकी जांच कर सके, उसके बाद इस बेचारे को पैसे भी वापस मिल सकते, उस चोर को भी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है वो आपको इस चैनल पर मिलेगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।